हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अपने माता रानी का श्रृंगार। फर्स्ट नवरात्रा है तो आज से बेटर कोई वीडियो हो ही नहीं, टाइम हो ही नहीं सकता इस वीडियो को शेयर करने का। पिंक कलर का लहंगा हमने इस बार अपनी माता रानी को पहनाया है और पिंक के साथ हम ज्वेलरी देने वाले हैं रेड कलर की। लेकिन अभी ज्वेलरी उतारनी पड़ेगी क्योंकि हमें उससे पहले करना है दुपट्टा सेट। और ये देखिए, दुपट्टा सेट करते ही कितना प्यारा लुक आ गया है हमारी माता रानी का। और इसके बाद तो ज्वेलरी अभी पहनानी बाकी है, और ज्वेलरी तो हम रेड कलर की पहनाने वाली है क्योंकि रेड कलर जो है हमारी माता रानी का फेवरेट कलर है और मोस्ट सूटेबल कलर भी वही होता है माता रानी की श्रृंगार के लिए। पिंक कलर भी अच्छा होता है, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और रेड ये कलर, और येलो ऑल्सो, ये कलर हम माता रानी को पहना सकते हैं। और अब इसके बाद देखिए, हम ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी पहना देंगे। ये लॉन्ग वाली माला पहना दी है, शॉर्ट वाली पहना दी है। जल्दी जल्दी से मैं माता रानी का श्रृंगार, मैंने शॉर्ट शायद पहना ही नहीं, फिर बाद में मुझे लगा कि ये ऑरेंज ही ऐसे ही शूट कर रही है। और जो भी ज्वेलरी अवेलेबल थी मैंने उसी से वहाँ पर श्रृंगार कर दिया, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो सामान था कानन जी वाला शॉप का वहाँ पर अवेलेबल होता था, कुछ चीज़ की शॉर्टेज होती थी वो भी हम वहीं से ही पिक कर लेते थे शॉप वाले सामान में से ही। बट अब ऐसा नहीं होता, तो जो सामान अवेलेबल था उसी से ही हमने इनका श्रृंगार किया है। और सामान अवेलेबल था से मतलब ये है कि जो मेरी युगल कृष्णा जी और राधा रानी हैं, जो आपको पीछे दिख भी रहोगे, मैंने उनका भी अभिषेक किया था। आज इनको तीनों को ही मैंने अभियंग से नहलाया था, अभियंग से मालिश की थी। तो अभियंग से वॉश करने से ना बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ग्लो आ जाता है इनके ऊपर, चाहे वो डस्ट मार्बल की मूर्ति हैं या फिर पीतल की हैं या अष्ट धातु की हैं। तो इन तीनों ही मूर्तियों को अगर आप अष्टांग से स्नान करवाते हो तो चमक आती है। तो चलिए अब देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा माता रानी का श्रृंगार भी जो है कंप्लीट हो ही चुका है। और इसके बाद मैं इनको लगाने वाली हूँ हेयर और तिलक और नाक, और फाइनल लुक इस तरीके का होने वाला है मेरी माता रानी का। जय माता दी।